देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ग्राउंड उमर साहब ने इनको दिया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे इसका इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं, और क्रिकेट जो है अब वर्ल्ड गेम हो गई है, और इसलिए हमारे बच्चे भी, मैं चाहता हूँ कि वो भी वर्ल्ड में इसी तरह शाइन करें जैसे पहले क्रिकेटर्स शाइन करते थे। और अब इनके पास रोलर नहीं था, और पहला ये मैकेनिकल रोलर इनके पास आ गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इसको मेंटेन करेंगे और बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे इस ग्राउंड का, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ तालीम ज़रूरी है वहाँ पे सेहत को ठीक रखने के लिए खेल भी बहुत ज़रूरी है। वो क्रिकेट हो, वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो या कबड्डी हो, ये चीज़ें जो हैं ये आप ओलंपिक्स में भी हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में आगे बढ़ें। ड्रग्स से भी बच जाए। यहाँ पर ठीक है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को इससे नुकसान होता है? ज़रूर होता है। डेमोक्रेसी तभी होती है जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइज़र सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह MLA होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते हैं। एक MLA को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसे बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। नुकसान कितना होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। एलजी साहब ने कहा कि वो ज़माना गया जब यहाँ पे इलेक्शन में धांधली करके डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जाता था, कुछ पार्टियाँ उसका फ़ायदा उठाती थी, क्या कहेंगे? मुझे ये बताइए, जब हाईजैक होता है क्या उनके पास वो रास्ते नहीं हैं कि वो अप्रोच करें, हाई कोर्ट में अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें? नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को भी एक दिन जब उन्होंने इलेक्शन उनको आउट कर दिया था, हैं वैसे सुनते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हाइप G20 को मिली, क्या लगता है कि ऐसे इतनी मीटिंग करने से यहाँ पे कुछ फ़ायदा मिलेगा टूरिज्म के? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती, और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ, रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हों, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। मैं उनको मुबारक करता हूँ, अल्लाह करे कि वो इसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उनको उम्रा और हज करने के लिए भी जाना था, अल्लाह करे कि वो भी कर सकें और दुनिया को, दुनिया में जा सकें और यहाँ के हालात बयान कर सकें। ये बहुत ट्रैजिक है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट ये है कि करीबन 300 से ज़्यादा, अल्लाह रहम करे, इस आलम को छोड़ गए हैं, और कितने अभी अस्पताल में हैं उनका क्या हाल है वो तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, मगर उनकी हालत भी बहुत अफसोसनाक है। और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि हमने वो मशीनें लगा दी हैं जिनसे अब एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि अब फास्ट ट्रेन्स का मामला शुरू हो गया है, इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए इंशाल्लाह कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, उसकी तहकीकात जब ये मामला, ये जो लोग बीमार हैं इनका सब हल हो जाएगा, उसकी तहकीकात साथ साथ होगी। मैंने सुना है कि इन्होंने एक जज को अपॉइंट किया है, राज जज साहब को, वो पूरी तहकीकात करके हमें मालूम होगा इसकी वजह क्या हो। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जब तक BJP के नंबर्स बराबर नहीं होते हैं JK में, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम तो अपनी जमात के बारे में कह सकते हैं कि हम लोग तैयार हैं,
और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जल्दी होगा। अलायंस पे बाद में बनेगी कि ये जहाँ तक अलायंस का सवाल है इसकी तरफ हम सोच रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोगों ने सब ने मिल के उस जमात को धक्का देना है यहाँ से जो नफरत की तरफ चल रहा है, जो इंसानों को बांट रहे हैं, मजहब पे बांट रहे हैं, उनको फिराना बहुत ज़रूरी है।